अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं फोर्ट्रेस केयर शॉपिंग मॉल में और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो पहले से इंतज़ार में हैं कि कब मैं आऊं और कब ये शो स्टार्ट हो। क्या करूं भाई, ट्रैफिक इतनी है। आई एम सॉरी, आप लोगों को इतना वेट करना पड़ता है भाई। मगर आप लोगों से ही बात करने आई हूँ मैं, और आप देख सकते हैं ये प्यार मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, आज सर्दी भी ज़्यादा है बाहर, तो मैंने सोचा कोई जैकेट शैकेट पहन लूँ, क्योंकि पिछले दिनों मैं बीमार भी रह चुकी हूँ, तो थोड़ा जो है वो सेहत का ख्याल रख लूँ। तो आगे हैं हम, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आफीफा। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। आप क्या करते हैं? मैं टीचिंग करती हूँ। क्या पढ़ाती हैं? केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। दोनों का रिश्ता? हस्बैंड वाइफ। कितना टाइम हो गया शादी को? हमारी कल ही 11th एनिवर्सरी गुजरी। एनिवर्सरी थी कल। क्या दिया इनको? क्या कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। परफ्यूम दिया, सूट लेके दिया, और फिर आज खाना खिलाने लेके आए। वेरी नाइस। कितने बच्चे? बच्चे नहीं है। ओके, अच्छी बात है, घूमते फिरते हैं। हाँ, बहुत इंजॉय करते हैं। चलो माशाल्लाह। चले जी, सवाल करते हैं, ठीक है जी। एनिवर्सरी थी आपकी, इसी से रिलेटेड सवाल कर लेती हूँ। वर्ल्ड मैरिज डे किस डेट को होता है? वर्ल्ड मैरिज डे मेरा ख्याल है कि जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन ही होना चाहिए। वर्ल्ड मैरिज डे नो। क्या सुनाएंगे? नो आइडिया। रेसिपी शेयर कर देती हूँ। मैं पालक और अंडे की रेसिपी शेयर करूँगी। पालक, 1 किलो पालक ले लें, उसको बॉईल कर लें और मैश कर लें, और 3 अंडे ले लें, उनको भी बॉईल कर लें, और फिर उसके बाद थोड़ा से ऑयल में ज़ीरे को थोड़ा भून लें और उसमें पालक को भून लें। जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे, थोड़ा दूध ऐड करें, गरम मसाला, हरी मिर्च और नमक ऐड करके उसको फिर से भून लें, और अंडों को हाफ करके बीच में डाल दें और हरे धनिया से गार्निश कर लें। जी जी, मैं कोई गाना डेडिकेट कर दूँ। जी, गाना है जी, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। जबरदस्त, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए। थैंक यू। वेलकम। बहुत प्यारा कपल था, बहुत मज़ा आया। उनकी एनिवर्सरी गुजरी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। अरीबा। शही। अबीर। फैसल। आफिया। कौन सी क्लास? 4। 2। 3। नर्सरी। 4। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। मुझे बताएं, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टमक किस जानदार का? ये तो मैं सॉरी, कोशिश करें। पानी का जानदार है? डॉल्फिन। डॉल्फिन बड़ा खतरनाक सा डायनासोर। अभी कहाँ है? आई डोंट नो। क्या सुनाएंगे आप? सॉन्ग। आप क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। मैं नाथ सॉन्ग। चले, अपने बाद माइक आगे करती जाइएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, हमको प्यार है तुमसे कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। जब कोई बात बिगड़ जाए,
जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। जब कोई बात बिगड़ जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा ओ हम नवाज। आज ब्लू है पानी 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 कल दिल भी सानी 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 आ जाओ तो पीछे आ रो फोटो मेरे से तेरी किस होगी तू ना तो मेरी बात न माने ओहो ओहो आहो ओहो 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 ओसम का पानी हो ठंडी ठंडी रेत में टिंका टिंका लिटिल स्टार हाउ आई वांट अ टेवा हाउ कबाजा अब यू आर लाइक अ डायमंड इन द स्टार बाबा बैक शिप एवरीवन इज फुल यस सर थ्री बैक फुल वन फॉर द मास्टर वन फॉर द डे एंड वन फॉर द लिटिल बॉयज। वेरी नाइस, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट। थैंक यू बच्चों, वेलकम जी, बड़ा मजा आया, इधर आ जाएं, बड़ा मजा आया, हमने इनसे बात की। इधर को इसलिए कह रही थी मैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रश हो गया है तो उधर जरा वॉक करना मेरा मुश्किल है तो मैंने कहा इस तरह वॉक की जाए, किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? आमना इरफान। आपका नाम? फातिमा। क्या करते हो, कौन सी क्लास में? नर्सरी। आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ। चलें मुझे बताएं आवाज सबसे ज्यादा किस चीज में ट्रैवल करती है? आवाज किस में करती होगी नहीं पता लग रहा। क्या बताएंगे आप? रेसिपी? रेसिपी बता दो। और आपकी पोएम है? हाँ चलो सुनाओ। चलिए अपने बाद बच्ची को भी। चलें उसकी है कबाब की है, चिकन कबाब की ना, उसमें चिकन बॉयल करके उसको थोड़े से रेशेस बना के उसमें ये वेजिटेबल सब चीज़ें मिक्स करके और उसको ये क्रम्स वगैरह लगा के तो उसको ये फ्राई करें तो ये बहुत अच्छी बनती है। ट्राई करें एक दफ़ा। नहीं हो? वेरी नाइस। और आपने क्या सुना? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप Above the was so high, like a diamond in the sky. Wow! Very nice. The hard news ki taraf se aapke liye gift. Thank you. جی بہت مزہ آیا، بہت پیاری فیملی تھی، کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. آپ کا نام؟ رخسانہ من اویس. انسا کب تو نام؟ کون سی کلاس میں ہوں؟ آپ کون سی کلاس میں ہوں؟ آپ کیا کرتی ہیں؟ میں پر سیکنڈ ایئر. اوکے مجھے بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو جتنا صاف کرتے جاؤ وہ اتنی بلیک ہوتی جاتی ہے؟ پہلے سوال کر لو جواب دو. جتنا جتنا صاف کرتے جاؤ اتنی بلیک ہوتی جاتی ہے. کیا شیئر کرو گے آپ؟ نگٹس کی ریسیپی. اور آپ کس چیز کی ریسیپی بتائیں گی؟ بریانی کی. چلو اپنے بعد مائی کما کو دیتی ہوں. نگٹس چکن اور پوٹیٹو کو میش بوائل کر کے ان کو مکس کر دینا ہے، اس کے اندر نمک اور بلیک پیپر ڈالنی ہے اور بریڈ کرمس ڈال کے فرائی کر لینا ہے ان کو. بریانی جی چاول چاول بوائل کر کے چکن سارا کچھ بنا کے مسالہ تو مکس کر دے الٹامی بریانی. لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے جی. لڑکی کی ریسیپی تو ٹھیک تھی لیکن جو آنٹی نے ریسیپی بتائی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی، کیونکہ میں کہتی ہوں یہ زیادتی ہے. آپ اگر کسی کو ایسی ریسیپی بتائیں
वो घर में सुन रहा और वाकई में उसको बनाना ना आता और वो इस तरह कर दे तो उसका खाना खराब हो जाएगा। कुछ भी अभिव्यस्त नहीं होता लाइफ में। अगर आपके बिरयानी तो हर एक को बनानी आती है ऐसा नहीं है। क्या पता आपको पता है ये प्रोग्राम सैटेलाइट की वजह से पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंग्लैंड में बहुत देखा जाता है, कनाडा में बहुत देखा जाता है, क्योंकि इसकी सैटेलाइट दुनिया न्यूज़ की सैटेलाइट है। तो प्लीज़ ये चीज़ों का जो है वो आप बहुत ख्याल रखें कि कोई अगर जिसकी नई नई शादी हुई उसको ना बनाना होता और आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से उसका खाना ख़राब हो जाए तो ऐसा ना करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ज़ैनब। ज़ैनब क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब? ह्यूमन रिसोर्सेज में। ओके, गजरे पहने हुए? पाकिस्तान आई हूँ बाहर से। तो कहाँ से आई हैं? अच्छा लगता है, टोरंटो से, कनाडा से। कनाडा से आई हैं? ओके, ज़बरदस्त, मुझे पसंद है कनाडा। अच्छा मुझे बताए कनाडा में सबसे अच्छी जगह कौन सी घूमने की, अगर जाते ही अगर जाना? नियाग्रा फॉल्स। हाँ, उसके अलावा वो तो है सीएन टावर। उसमें क्या खास है वहाँ पे? वो सबसे लाइक वो डाउनटाउन का सबसे मेन फोकस्ड एरिया है और वो सीएन टावर, इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द टोरंटो, इट्स ब्यूटीफुल। ओके, मुझे बताएं वहाँ पे सबसे फेमस क्या है, क्या किसी ने कुछ जाते खाना हो तो? हलाल फूड बहुत मुश्किल से मिलते तो है, तो अगर जाना है तो बामियन कबाब जाना चाहिए सबसे पहले, बामियन कबाब। ओके, वो कहाँ पे एग्जैक्ट? वो एक्चुअली हर जगह ब्रांचेज हैं, बस आपको गूगल करना है और फिर मिल जाएगा। हलाल है वो? हलाल है। ओके, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताओ आप कहाँ पे रहते हो? मैं टोरंटो में रहती हूँ। मेन टोरंटो में? मेन टोरंटो में। वेरी नाइस। चलो मैं सवाल पूछूँ? आसान पूछना। आसान पूछती। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क बाग किस मुल्क में? यूएस में, न्यूयॉर्क सिटी। नो सॉरी, कोशिश करो, आपके बहुत पास है। मेरे बहुत पास है यार, टोरंटो में तो नहीं है, कनाडा में तो नहीं है। खुश कनाडा में? कनाडा दुनिया में इसका सबसे बड़ा पार्क कनाडा में। चलिए क्लैपिंग कर दे अब। क्या सुनाएंगे? गाना दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी जलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल। नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, ब्यूटीफुल, थैंक यू, बाय बाय। बहुत मज़ा आया, हमने इनके साथ बात की और दिल दिल पाकिस्तान उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सुनाया, मैंने तो इन्जॉय किया। उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा। बिल्कुल, मैंने ये सवाल इसलिए इनसे किया क्योंकि ये कनाडा से थी, तो मैंने सोचा कनाडा के बारे में कुछ सवाल कर लिया जाए, क्योंकि आई लाइक कनाडा, आई लव सर्दी, आई लव। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा लेक भी कनाडा में है, दुनिया का सबसे बड़ा बाग भी कनाडा में है, और कनाडा दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मुल्क है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहरिश। आपका नाम? सलमान। बेबी का नाम? जर्निश। इनका नाम? इनका जर्निश है और इनका जिमल है। जिमल है। चले जी, मुझे बताएं आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपने सेकंड पोजीशन वाली गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, तो आपकी क्या पोजीशन हुई? राइट। नहीं, तो आपकी क्या पोजीशन हुई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप क्या आए? फर्स्ट। सवाल समझ आया? नहीं। गाड़ियों की रेस हो रही है, आप भी हैं बीच में, आपने सेकंड पोजीशन वाली गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, उससे आगे निकल गए, तो आपकी क्या पोजीशन होगी? सेकंड लास्ट। फर्स्ट। क्या सुनाएंगे? क्लैपिंग करें पहले इनके लिए। अरे सेकंड पोजीशन को ओवरटेक किया था तो खुद तो फर्स्ट में नहीं आएगी। क्या सुनाऊंगी? नहीं, मैं आपको तंग कर रही हूँ, आपने गलत जवाब दिया। अच्छा। चलें, क्या सुनाएंगे? सॉन्ग। सॉन्ग सुनाने? वो देखो बन। वे मैं तेरी हो गई हां, तू मैनू रोल ना देवी, है ना मेरी अखियां च हंज चोन ना देवी,
ਜਿਵੇਂ ਕਵੇਂ ਗਾਉਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਾਂਗੀ ਮਾਹੀਆਂ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਮਾਹੀਆਂ ਤੂੰ ਵਾਦਾ ਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲਾਵੇਂਗਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਆਪ ਕਿਆ ਸੁਣਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੁਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸਕੇ ਰੁਲਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲਿਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਉਨਕੀ ਬੱਚੀ ਇਤਨੀ ਕਿਊਟ ਥੀ ਜਬ ਉਨਕੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬੱਚੀ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਤੋ ਐਸੇ 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 ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਵੋ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੇ ਜਬਕਿ ਇਨਕਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਆ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਤੋ ਵੋ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਤੋ ਉਨਕਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਥਾ ਕਿਸੇ ਔਰ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਖਦੀਜਾ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਇਜ਼ਹਾਨ ਕੌਨ ਸੀ ਕਲਾਸ 5 ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਤੀ ਮੈਂ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਫੋਰਥ ਈਅਰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੇ ਓਕੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਕਭੀ ਮਾਰਾ ਭਾਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਮਾਰਾ ਮੈਨੇ ਮਾਰਾ ਆਪਕੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਹੋ ਤੀਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚਲੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਆਪ ਸੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰ ਲੂੰ ਜੀ ਜਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੇ ਜਿਸਮ ਮੇਂ ਕਿਤਨੀ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ 206 300 ਹੋਤੀ ਹੈ ਸੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੋ ਆਪੇ ਕੇ ਲਈ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਕਰ ਦੋ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏਂਗੀ ਆਪ ਮੈਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਂਗੀ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਜੋ ਹੈ ਆਧੇ ਸਰ ਕਾ ਦਰਦ ਹੈ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਨਕੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਅ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਓਹੋ ਕੌਨ ਸਾ ਵਾਲਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਆਧੇ ਸਰਕ ਵਾਲਾ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੋਮਿਟਸ ਆਤੀ ਹੈ ਆਤੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਚੜਤਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਤੋ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨੀਂਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੂੰ ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਸਿਰਫ ਚਾਏ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਚਾਏ ਨਾ ਪੀਓ ਤੋ ਮੁਝੇ ਟੱਕ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਲ ਜੀ ਆਪ ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜੇ ਇਸਕਾ ਫੀਕਾ ਅੱਧੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀ ਲਈਦਾ ਹੈ ਦਰਦੇ ਸ਼ਕੀਕਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਡਰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਮਨ ਟੀਕਾ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕੱਟੇ ਵਾਂਗ ਅੜਾਂਦਾ ਏ ਇਸ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋ ਪੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੀੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲਕਤ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਫੇਰੇ ਪਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਕੀਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਰੀਆ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਕੀਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਸਰੀਆ ਤੇ ਸਰੀਆ ਜਦ ਅੱਗ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਫੀਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਤੇ ਫੀਕੂ ਮਾਰੀ ਚੀਖ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਫੀਕੂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੇਸਬਰਾ ਬਨ ਤੂੰ ਐਡਾ ਰੋਲਾ ਪਾ ਤੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਯਬਲਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਤੋ ਸੁਣ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਕਾ ਧਿਆਨ ਬਟ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ ਕੀ ਤਰਫ ਪਾਉਂ ਮੇ ਤੋ ਜਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਾਉਂ ਜਲ ਗਿਆ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਾਜ਼ੂ ਜੋੜਨ ਬਾਜ਼ੂ ਕਾ ਦਰਦ ਮਟਾਣੇ ਕੀ ਡਾਂਗ ਤੋੜ ਦੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੂੰ ਭਾਈ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਸਰ ਕਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਕਿਆ ਸੁਣਾਏ ਟਵਿੰਕਲ ਟਵਿੰਕਲ ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Above the world so high, like a diamond in the sky. Wow! Very nice. Lahore News ki taraf se aap logon ke liye gift. Amazing. Bahut achhi sunayi aapne. ਵਾਓ ਇਹ ਮੁਝੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਇਆ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਇਲਾਜ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਸਕਾ ਪਾਉਂ ਜਲਾ ਦਿਆ ਔਰ ਕਹਾ ਬਤਾਓ ਸਰ ਕਾ ਦਰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਕੈਸਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਈ ਅਬ ਤੋ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸਰ ਮੇਂ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਾ ਤੋ ਬ੍ਰੇਕ ਪੇ ਜਾਤੀ ਹੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਆਤੀ ਹੂੰ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ